विश्व में तबाही मचाने वाला कोविड 19 का वैक्सीन नए साल में आने वाला है। एक तरफ जहां कोरोना को मात देने के लिए इस वैक्सीन का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं साइबर अपराधियों की नजर भी अब इस पर है। साइबर अपराधी कोरोना वैक्सीन के डोज के नाम पर फ्रॉड की तैयारी में है। साइबर अपराधियों की इस तैयारी की भनक लगते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सहित सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। गृह मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर सहित सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में आए पत्र में इस बात की आशंका जताई गई है कि साइबर अपराधी लोगों को कॉल कर SMS कर यह बताने की कोशिश कर सकते हैं कि कोविड वैक्सीन डोज की प्राथमिकता लिस्ट में उनका नाम चयनित किया गया है। यह कहने के बाद उस व्यक्ति से महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ पैसे की मांग की जा सकती है। साइबर अपराधी उनसे आधार, पैन व बैंक खाता का ब्यौरा आदि मांग सकते हैं। दस्तावेज मिलते ही वे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे साफ कर लेंगे। इस बात की भी आशंका जताई गई है कि साइबर अपराधी कोविड 19 वैक्सीन डोज को लेकर लोगों को फर्जी लिंक या सोशल मीडिया के जरिए वैक्सीन डोज की कीमत में डिस्काउंट या कैश बैक आदि का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा सकते हैं। इसलिए आम लोगों को सतर्क करते हुए सुझाव दिया गया है कि वे अधिकृत वेबसाइट या सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ही पालन करें और उन पर ही विश्वास करें।